नॉन इलेक्टेड लोगों के ऊपर काफ़ी जो है वो ऑब्जेक्शंस हैं, उसको भी अहमियत देने की ज़रूरत है। अल्टीमेटली इलेक्टेड लोग फैसले करते हैं, नॉन इलेक्टेड लोग जो हैं वो फैसले नहीं करते। लेकिन पीछे जो डिसीजन हुए, खासतौर पे जो वजारत की चेंजेस है, आप भी उसका शिकार हुए, उसमें तो नॉन इलेक्टेड पावर में थे। एग्जैक्टली, आपकी असल कुव्वत इलेक्टेड लोग हैं, आप उनसे बाहर नहीं जा सकते। और आपने पार्टी कोई रीडू तो नहीं करनी है कि आपने नॉन इलेक्टेड लोगों को या पार्टी से उन लोगों को पार्टी हवाले कर दे जो ज़िंदगी में ज़ाहिर कभी जो है वो काउंसलर भी नहीं रहे। बहुत ज़्यादा लोग एक ही चीज़ को मैनेज करने पे लग गए थे, उसमें जो है वो नईमुल हक साहब भी आ गए। फिर जो है वो इसके ऊपर ज़ाहिर है कि जब एक ही चीज़ को 5-6 लोग करना चाहेंगे तो वो क्या होगा। जो बड़ी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर वजारत इत्तला पहली बार नज़र आई, अदरवाइज़ तो फिर देखें ना, आपने जिस तरह बाकी सारे काम जो है वो फौज के ऊपर या उस पर छोड़ देते हैं, ये भी इंटरनेशनल जो हमारा मीडिया मैनेजमेंट है ये भी ISPR के ऊपर आपने छोड़ दी थी, वही करते थे। हमने उसको वापस लेके आए, एक सिविलियन उसका जो है वो उसको फेस मिला जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फौज को अगर आप सामने रखेंगे इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर, मुल्क को उसका इमेज प्रॉब्लम आता है। सिविलियन फेसेस सामने हो उसका एक और इम्पैक्ट जाता है। जितने सिविल मिलिट्री ताल्लुकात इस वक्त अच्छे हैं, पाकिस्तान की तारीख में कभी अच्छे नहीं रहे। अच्छा, उसकी क्या वजह? उसकी वजह यह है कि जो इस वक्त फ़ौज की एपिटाइट नहीं है, और फौज पाकिस्तान में बड़ी ताकतवर है, कोई शुबा ही नहीं इसमें, सबसे ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशन है। क्या फौज पाकिस्तान को चला सकती है? आंसर इज़ नो। पाकिस्तान को सिविलन हुकूमत ने, सिविल इदारों ने चलाना है। फ़ौज को क्या करना चाहिए? सिविल इदारों को ताकतवर करने के लिए अपना रोल अदा करना चाहिए। और अगर फौज ये रोल फैसला कर ले कि उन्होंने ये रोल नहीं अदा करना, तो कोई पाकिस्तान में सिविल इदारे तगड़े नहीं हो सकते। ये अगर ISPR चाहे कि पाकिस्तान का नैरेटिव उन्होंने देना है तो वो देंगे, क्योंकि उनके पास एक पूरा सिस्टम है, ताकत है, वो बेहतर है पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से। लेकिन क्या ये करना चाहिए उन्हें? आंसर इज़ नो। पाकिस्तान की सिविलियन हुकूमत को ये करना चाहिए। PTM को कैसे देखते हैं? मेरा ये ख्याल है इसको पॉलिटिकली मैनेज करना चाहिए, इसका कोई हल नहीं है, ताकत इसका हल नहीं है, पॉलिटिकल मैनेजमेंट करनी चाहिए। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म के मावन खुसूसी ज़ुल्फ़े बुख़ारी कहते हैं, फवाद भाई आजकल लेबॉरेटरी में मसरूफ है, इसीलिए उन्हें तमाम फैसलों का पता नहीं होता। समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर को इंटरव्यू में कहा कि इमरान खान के फैसलों में कोई सियासी कमजोरी नहीं, ना ही पार्टी में कोई इख्तलाफ। फवाद भाई इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनको तो पता होना चाहिए, शायद वो आजकल लैब में काफ़ी बिजी हैं तो इसलिए उनको नहीं पता। डिसीजन आती है प्राइम मिनिस्टर से, लाजमी नहीं है कि वो हम सब कैबिनेट मिनिस्टर से पूछें कि क्या डिसीजन लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। फैसला एक बंदा लेता है, वो प्राइम मिनिस्टर। तो मैं मिनिस्ट्री में बहुत ज्यादा लोग हुए होते, खान साहब ने अगर वही देख के एक डिसीजन की हो, इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री सही मैसेजिंग नहीं दे रही थी, ये तो एक वाजे बात, तो आपको चेंजेस तो लेके आनी होती। बेशक उनकी एक राय हो, लेकिन पार्टी किसी को भी नहीं दी गई, पार्टी वहाँ के वहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चल रही है। खान साहब कभी भी नहीं हटेंगे इसके पीछे, एहतसाब होता रहेगा। ये नहीं है कि खान साहब कहेंगे कि हाँ बख्श तो सबको छोड़ दो, NRO दे दो, ये वो चलता रहेगा। इनकी करप्शन भी एक साथ मिली हुई थी, एक ही मनी लॉन्डर इस्तेमाल करते थे, एक ही बंदा वही से इस्तेमाल करते थे, पैसे लेना भेजना हर चीज़। तो ये नहीं हो सकता कि जिदारी गिर जाए और नवाज शरीफ बच जाए। सारी पार्टियों में कोई ताकत नहीं थी कि वो अकेले खड़े हो सके, तो जब ये इकट्ठे होंगे तब इनसे 4-5 लोग रोड पे शायद इकट्ठे हो जाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि हुकूमत और वज़ीर आज़म सच नहीं बोलते, ये हुक्मरान 5 साल रहे तो मुल्की कर्जे 50,000 अरब तक चले जाएंगे, हुकूमत को गिराना पड़े तो गिराना चाहिए। पाकिस्तान की तारीख में एक साल में हमारी करेंसी की इतनी डिवेल्यूएशन कभी नहीं हुई, 1,000 अरब का हुकूमती अखराजात में इजाफा हुआ है, तो साबित हुआ कि हुकूमत के अखराजात में कमी जो है वो भैंसे बेचने और गाड़ियों बेचने से वाकया नहीं हो सकती। आज पाकिस्तान हाई इन्फ्लेशन और लो GDP ग्रोथ के इरा में दाखिल हो चुका है। जब हमारी हुकूमत गई, पाकिस्तान के जो कर्जे थे 25,000 अरब रुपए के थे, आज ये कर्जे 28.6 अरब पे 9 महीने में जा पहुंचे, और अगर ये हुकूमत 5 साल रहती है तो पाकिस्तान के जो 25 अरब के कर्जे वो 50 अरब पे जा पहुंचेंगे। ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट है और ये एक्सपेरिमेंट नाकाम हो गया है। हम पर लाजिम है कि असेंबली के अंदर भी एहतजाज हो, असेंबली के बाहर भी एहतजाज हो, हुकूमत को गिराना पड़े तो हुकूमत को गिराने की कोशिश।